हेलो गाइस, वेलकम टू डगिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्यू एन ए के एपिसोड नंबर 97 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, कल मैंने कॉमेडी पोस्ट करा तो आप लोगों को बोला था धमाकेदार क्वेश्चन पूछ लेना। आप में से बहुत सारे लोग ने वहां पर कमेंट करे और क्वेश्चन एकदम एक से एक यहां पर पूछे, लाइन से सारे सवालों के जवाब देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो उसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता है 1000 लाइक्स का। आई होप कि यहां पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है अर्जुन मजुमदार, ये बोलते हैं Redmi Note 8 Pro का इंतजार करूँ या Realme X3 को ले लूँ, कौन सा अच्छा रहेगा, वैल्यू फॉर मनी कौन सा है। देखो, अनलेस एंड अंटिल अगर आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए 15-16 हज़ार की रेंज में, तभी आप Redmi Note 8 Pro का वेट करना। अदरवाइज Realme X3 16 हज़ार में बेस्ट फोन है, आप Realme X3 के साथ में जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर WWE ब्रदर्स बोलते हैं बेस्ट फोन अंडर 14,000 प्लीज पिक माई क्वेश्चन। टाइट बजट है 14,000 का है, मतलब उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। तो आज की डेट में 14,000 में बेस्ट डिवाइस है यहाँ पर Realme 5 Pro, डेफिनेटली जा सकते हो। अमेजिंग डिवाइस है 14,000 की प्राइस पॉइंट पे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर राहुल डी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, तीन तीन बड़े बड़े। यहाँ पर पूछते हैं मिड रेंज 5G रेडी नेक्स्ट ईयर में, कौन से मंथ तक ये लॉन्च होगा। तो मिड रेंज में यह डेफिनेटली टाइम लगेगा और 2020 की मिड मतलब जून के बाद ही आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। साथ में M30S ओवरऑल गुड पैकेज, बट इसका गेमिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ हैवी गेम्स फॉर्टनाइट कॉल ऑफ ड्यूटी सपोर्ट नहीं करता है। तो क्या इसे स्किप करके फ्यूचर बेटर GPU इस प्राइस में सेगमेंट। तो देखो, बेटर GPU तो यार अभी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा M30S को परचेज मत करना। आप यही प्राइस पॉइंट पे आपको जो है आपको 15-16 हज़ार में आपका Redmi Note 8 Pro मिलेगा, तो आप उसका डेफिनेटली वेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर Realme 5000 बैटरी जो फुल HD डिस्प्ले के साथ में क्यों नहीं देता है, जबकि गेमिंग ज़्यादा खेलते हैं कॉज ऑफ गुड प्रोसेसर। Realme 5 मतलब बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि कंपनी ये सब जानबूझ के करती है कि मतलब फुल HD डिस्प्ले के साथ में 5000 क्यों नहीं देती है, जबकि Realme 5 में 5000 mAh दी, उसमें फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं है। तो यस, कंपनी यहाँ पर ये जान मुझ के करती है, कंपनी को देना है तो यार सारे फीचर एक ही फ़ोन में दे देंगे। लेकिन भाई, अगर एक ही फ़ोन में सारे फीचर दे दिए तो भाई नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट स्मार्टफोन को कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ मतलब कटिंग करते हैं और कुछ फीचर अच्छा देते हैं, नेक्स्ट फ़ोन में वो फीचर को बढ़ा देंगे, एक फीचर को कम कर देंगे। तो ऐसी कंपनी को करना पड़ता है, अगर मार्केट में है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सौरभ चक्रवर्ती बोलते हैं Redmi Note 8 Pro लॉन्च डेट कन्फर्म, इंडिया में कन्फर्म है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपको यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलेगा Note 8 एज वेल एज Note 8 Pro। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे शाकी इब्राहिम, ये बोलते हैं ब्रो प्लीज टेल मी फ्रंट कैमरा Z1 Pro वर्सेज Realme 5 Pro XT वर्सेज Oppo K1 वर्सेज Nokia 8.1, भाई बताना प्रॉब्लम कन्फ्यूजन है। फ्रंट कैमरा चाहिए तो Z1 Pro बेस्ट है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी है और आउटपुट भी अमेजिंग देखने को मिलता है, व्लॉग वगैरह भी काफ़ी बढ़िया डिटेलिंग में आ जाएगी। सेल्फी कैमरा के लिए एक ही चॉइस है, Z1 Pro बेस्ट है 15,000 की रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तपस्वी भारद्वाज बोलते हैं विल Realme 730G वेरियंट ऑफ XT बी ऑन स्नैप Android 10 एंड विल Realme OS बी ऑन Android 10 एज वेल। 730G है वो आपका Android 10 के साथ में मुझे नहीं लगता आपको देखने को मिलेगा, ये आपको पाई के साथ में ही मिलेगा और 2020 में अपडेट आपको मिलेगा यहाँ पर Android 10 का, और साथ में Realme OS भी नहीं मिलेगा। अभी आपको ColorOS 6 ही देखने को मिलेगा, Realme OS भी आपको 2020 में ही देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यश भी बोलते हैं ब्रो अंडर 17K में बेस्ट गेमिंग कैमरा फ़ोन बताओ ना, अपकमिंग भी बताना। 17,000 का बजट है, पैसे को बचा लो। 64 मेगापिक्सल के साथ में आपको Redmi Note 8 Pro क्वाड कैमरा मिलेगा, MediaTek का Helio G90T गेमिंग चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आपके लिए Redmi Note 8 Pro बेस्ट फोन रहेगा, तो थोड़ा वेट कर लेना, आपको अक्टूबर की एंड में इंडिया में देखने को मिल जाएगा, 17,000 के डेफिनेटली अंदर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पंडोली पाई बोलते हैं मैं Samsung J2 2015 QHD AMOLED डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ, मतलब क्वार्टर HD है ये, क्वाड HD नहीं है। और ये पूछ रहे हैं सिंस ईयर मैं Mi A3 बाई करना से सोच रहा हूँ, कंट्री मतलब इनकी कंट्री में Realme के डिवाइसेस नहीं है, तो क्या Mi A3 का डिस्प्ले देखने में फ़र्क लगेगा फॉर मी। देखो, अगर आप यहाँ पर इतने सालों से J2 इस्तेमाल करें वो भी QHD क्वार्टर HD है, HD भी नहीं है, तो आपको अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली जो Mi A3 का जो डिस्प्ले HD प्लस रेजोल्यूशन का आपको डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे। वो डिस्प्ले का अगर आपको चीज़ हटा दे तो ना, Mi A3 एक परफेक्ट स्मार्टफोन है, कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, बैटरी कैमरा परफॉर्मेंस सारी चीज़ अच्छी है। तो Mi A3 डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो, आपको कोई भी रिग्रेट फील नहीं होगा, डेफिनेटली आप जा सकते हो Mi A3 के साथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आदित्य सुधर बोलते हैं यासर भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और ये बोल रहे भाई रियलमी XT के सामने Redmi Note 8 Pro टिक पाएगा क्या, क्योंकि उसमें AMOLED डिस्प्ले नहीं है, एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और Xiaomi इससे रियलमी XT से सस्ता लॉन्च करेगा क्या, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू भाई, बाय, लव यू टू। देखो कम्पीट तो डेफिनेटली करेगा, दोनों के यूजर्स जो अलग रहने वाले, नोट 8 प्रो उन लोगों के लिए रहेगा जो मतलब गेमिंग बहुत ही उनको बढ़िया सी चाहिए, पबजी हाई ग्राफिक सेटिंग्स में खेलना है, आयर ब्लास्टर चाहिए, और मतलब 64 क्वाड कैमरा वगैरह तो सेम ही है, तो नोट 8 प्रो गेमर्स लोग के लिए है। बाकी जो नॉर्मल यूजर उसके लिए डेफिनेटली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, AMOLED डिस्प्ले है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, वो XT के साथ में जा सकते हैं। और Xiaomi जो XT का जो प्राइसिंग रखी गई है, Note 8 Pro भी आपको वही 15,000 से 16,000 में इंडिया में कंफर्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नौशाद शेख, मतलब इन्होंने रैपिड फायर पूछ लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर फटाफट से पूछे, तो हम भी यहाँ पर फटाफट से रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे Exynos 9611 वर्सेस Snapdragon 710, मैं जाऊँगा 710 के साथ में, जस्ट बिकॉज इसका GPU जो है आपका Adreno 618 मिलता है, आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया है एज कम्पेयर टू माली वाले GPU से। साथ में Realme 5 Pro वर्सेस Samsung M30s, तो M30s। नेक्स्ट है यहाँ पर Realme XT वर्सेस Note 8 Pro, तो आई विल गो विद XT। साथ में Snapdragon 730 वर्सेस Helio G90T का डेफिनेटली बेंचमार्क 730 से बेटर है, लेकिन स्टिल मैं जाऊंगा 730 के साथ में, क्योंकि मुझे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, पहले से मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे ऑप्टिमाइज लगते हैं और हीटिंग इश्यूज भी देखने को नहीं मिलती है। और इस वेल एज यहाँ पर ही पूछ रहे ब्रांड रियलमी वर्सेज ब्रांड Xiaomi, डेफिनेटली Xiaomi, स्नैपड्रैगन वर्सेज मीडिया टेक वर्सेज स्क्रीन वर्सेज Exynos, डेफिनेटली स्नैपड्रैगन, गुरुजी वर्सेज रोएस वर्सेज टेकिनटेक, तीनों ही अपनी जगह पर अच्छे यार, एक चूज करना बिल्कुल भी गलत बात होगी, तीनों के अपने 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 यहाँ पर बहुत ही अच्छे कंटेंट रहते हैं, मेरे को तीनों अच्छे लगते हैं। साथ में पूछ रहे बैटरी 4000 mAh विद VOOC 3.0 वर्सेस 6000 विद 15W, 4000 विद 20W VOOC चार्जिंग मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मुझे फास्ट चार्जिंग होती है ना, बहुत मजा आता है, वैसे 4000 mAh भी पूरा दिन चल जाती है, तो मेरे लिए 4000 ठीक है, 6000 चल जाता है, 15W के साथ में बहुत टाइम लगा, तो मैं 4000 VOOC चार्जिंग के साथ में जाऊंगा। दुबई वर्सेस USA वर्सेस UK, आई विल गो इन UK। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे 5G किस किस प्रोसेसर में आ सकते हैं मिनिमम लिमिट, तो Snapdragon 700 सीरीज में आपको सबसे कम में अभी इनिशियली देखने को मिलेगा, बाकी इन फ्यूचर तो आपको बजट सेगमेंट में भी देखने को मिलेगा, आस्ते आस्ते जैसा स्टेबल हो जाएगा इंडिया में नेटवर्क्स, तो अभी Snapdragon 700 में चीपर आपको देखने को मिलने वाला है। और ये बोले थैंक्स भाई पिक क्वेश्चन करने के लिए और आंसर दिया आपने, यस लव यू भाई। नेक्स्ट यहाँ पर अगर पूछ रहे अब्दुल्ला मुक्ते सर बोलते हैं माई क्वेश्चन, क्या Mi A3 का अपग्रेड Mi A4 जल्दी आ सकता है, आपका क्या ख्याल है? Mi A3 मार्केट में भाई अभी अभी आया है, Mi A4 को अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो Mi A3 ले लो, Mi A4 अभी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्वप्निल खेटकर बोलते हैं भाई मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, प्लीज़ आई नीड योर ओपिनियन, Realme XT लू या Redmi K20 Pro जो फ्लिपकार्ट पर सेल आ रहा है, नो बजट इशू। बजट इशू नहीं है तो भाई आपको एक क्वेश्चन ही नहीं रहना चाहिए, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो विद K20 Pro, Snapdragon 855 मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, और K20 Pro अगर आप लेते हो ना भाई आपका 4-5 साल तो आराम से चल जाएगा बिना फोन स्लो डाउन हुए हुए, तो बजट इशू नहीं है, डेफिनेटली K20 Pro 25,000 का होने वाला है, आउटस्टैंडिंग डील है, परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सुशील शर्मा बोलते हैं Samsung M30s और Realme XT में से कौन सा सबसे बेस्ट है, अपडेट के मामले में कौन सा फ़ोन सही रहेगा? अपडेट के मामले में तो यार दोनों ही ठीक ठाक है, अपनी जगह पे दे देते हैं, लेकिन मैं ये दोनों में से चूज़ करूँगा XT को, XT ओवरऑल मुझे बढ़िया पैकेज लगता है। और ये पूछ रहे हैं क्या Samsung M30s Vivo Z1 Pro से भी अच्छा है, और क्या Realme 5 Pro से भी अच्छा हॉट एड है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यार Z1 Pro मी सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो, बाकी Hot 8 और Note 7s में तो डेफिनेटली Note 7s बेटर है, तो वो आप यहाँ पर जा सकते हो, मतलब बहुत कंफ्यूजन करके रखे हो, और आई होप कि मैंने आपका कट कट करके मतलब आंसर दे चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर साकिना का अट्रैक्शन बोलते हैं, ये बोलते हैं यासर भाई कौन सा मोबाइल अच्छा है, Realme X या Poco F1? देखो मैं Poco F1 इस्तेमाल करता हूँ, मुझे फेवरेट डिवाइस है, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको परफॉर्मेंस 20 चाहिए, मतलब आप गेमिंग करते हो पबजी वगैरह, आपको स्मूथ एक्सट्रीम 60 FPS पे खेलना है, और मतलब परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए और आयर फेस अनलॉक का फीचर चाहिए, तभी आप आज की डेट में Poco F1 लेना, अदरवाइज Realme X के साथ में जो बेजललेस डिस्प्ले है, डिज़ाइन अच्छा है, और ओवरऑल पॉपअप सेल्फी कैमरा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, VOOC चार्जिंग है,
परफॉर्मेंस चाहिए तब पोको F1 लेना आज की डेट में, वरना रियलमी X के साथ में जा सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर आशु सिंह बोलते हैं, रियलमी X3 6GB परचेज करूँ या Vivo Z1X 6GB, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, बजट 17,000 का है। 17,000 का वैसे कंपैरिजन वीडियो तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया था, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे भाई मैं कौन सा पिक करूंगा तो डेफिनेटली XT के साथ में जाऊंगा। XT एक परफेक्ट स्मार्टफोन है, कमी नहीं के बराबर है, 16,000 में बेस्ट है, परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर प्रदीप सिंहा बोलते हैं, सर एमोलेड डिस्प्ले की लाइफ जो है IPS के कम होती है, और IPS की एमोलेड ये दोनों डिस्प्ले कितने साल तक चलेंगे, प्लीज माय क्वेश्चन। तो यार डेफिनेटली जो एमोलेड की लाइफ है हल्की सी थोड़ी, एमोलेड भी यार आजकल के जो एमोलेड है सुपर एमोलेड है अच्छे पैनल आते पहले की तरह नहीं, जो एमोलेड में थोड़ा सालों के बाद क्या हो जाता है स्क्रीन बर्निंग का इशू हो जाता है, मतलब आपको पीछे डिस्प्ले के पैचेस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो आजकल के जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर आप एमोलेड स्मार्टफोन भी लेते हो ना 3 से 4 साल आपका आराम से चल जाएगा बिना कोई इशू के, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे हाँ IPS तो मतलब ख़राब ही नहीं होता है, तो डेफिनेटली IPS लॉन्गर टाइम के लिए चलता है, लेकिन एमोलेड भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 साल तो आपका आराम से निकल जाएगा। बस यही यहाँ पर है आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर SVN बोलते हैं, ऑफलाइन में रियलमी X3 मिल रहा है क्या वो डुप्लीकेट होगा, खरीदूँ या नहीं? मेरे भाई ऑफलाइन में मिल रहा है, शॉपकीपर है आप उसको बोलो भाई खोल के दिखा क्या क्या फ़ोन है, हाथ में लोगे आपको पता लग जाएगा ओरिजिनल है या नहीं है, बॉक्स वगैरह में पढ़ लेना। तो ओरिजिनल डुप्लीकेट में यार आपको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ जाता है डिस्प्ले में कैमरे में, देख के खुलवा लेना पूरी चीज़ चेक कर लेना, उसके बाद में शॉपकीपर को आराम से पैसे दे देना, आराम से चेक करना अगर आप ऑफलाइन जाके ले रहे हो तो, कोई डुप्लीकेट आज की डेट में नहीं रखता है। नेक्स्ट यहाँ पर फुरकान अली बोलते हैं, यासर भाई मैं आपकी सारी वीडियोस लाइक करता हूँ, प्लीज़ आप बताओ रियलमी X में कौन सी डिस्प्ले है, एमोलेड है या सुपर एमोलेड, थैंक्स लव यू भाई। रियलमी X में आपको मिलती है एमोलेड डिस्प्ले और रियलमी XT में आपको मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। वैसे बहुत सारा यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हुआ है, मैं आपको सीरियसली बताऊंगा अगर मैं आपका X रखूंगा XT रखूंगा डिस्प्ले में आपको एक फ़र्क ही नहीं बता पाओगे, एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑलमोस्ट यहाँ पर 99.9% आपका सिमिलर ही रहता है, थोड़ा बहुत आपको कलर का एकदम नहीं के बराबर आपकी ह्यूमन आई से मतलब पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सी फ़र्क रहता है और ब्राइटनेस में थोड़ा बहुत रहता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत सारे लोग खाली देख रहे हैं सुपर एमोलेड है एमोलेड है, भाई ले लो आराम से इस्तेमाल करो, कितना डीप में जाते हो, इनफैक्ट मैं खुद यहाँ पर ये चीज़ को नहीं देखता हूँ बिल्कुल भी, ये मतलब सोचने की बात ही नहीं है, ले सकते हो यार X का डिस्प्ले काफ़ी इंप्रेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं प्रणय मुखर्जी, ये बोलते लव यू फ्रॉम कोलकाता, ऑनर 9X इंडिया में कब आएगा, रियलमी X प्रो कब आएगा? तो ऑनर 9X भाई ऑनर वाले सो गए लगता पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि दिसंबर के आसपास नवंबर दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। और रियलमी X प्रो कब आएगा, तो X आ चुका है, XT आया है, X730G आएगा, X प्रो की भाई कोई मतलब लीक निकल के नहीं आई है, अगर आ जाएगी तो डेफिनेटली वीडियो बना के बता दूंगा। नेक्स्ट है गोपाल चक्रवर्ती बोलते हैं, सून यू विल बी रीचिंग 200K सब्सक्राइबर, कॉन्ग्रेट्स एंड कीप डूइंग ग्रेट वर्क भाई, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और साथ में बोले ब्रो आई हैव परचेज रियलमी 3 प्रो फॉर 12K ऑन ऑफर, शुड आई मेक अ मिस्टेक और इट वर्थ फॉर मनी, जस्ट रिप्लाई। 12,000 में रियलमी 3 प्रो बेस्ट डील है भाई, आपने कोई गलती नहीं करो, आराम से यूज़ करो और किसके बोलने पर आना नहीं कि भाई यार तूने बेकार फ़ोन ले लिया, ये ले लेता वो ले लेता, अब ले लियो 12,000 में यूज़ करो, कोई बुरी डील नहीं है, डेफिनेटली आप आराम से 1-2 साल उसको आराम से यूज़ करना, टेंशन की बात नहीं है, रियलमी 3 प्रो बेस्ट डिवाइस है 12,000 की रेंज में। नेक्स्ट यहाँ पर चिराग गांधी बोलते हैं, गुड वर्क ब्रो कीप इट अप भाई, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। साथ में बोले सैमसंग M30 की फर्स्ट सेल में बैंक ऑफर होगा या नहीं? देखो अगर सेल के बीच में आती है तो आपको डेफिनेटली बैंक के जो 10% ऑफ है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सैमसंग गैलेक्सी M30 व्हाइट वेरियंट कैसा रहेगा? अच्छा रहने वाला है, व्हाइट कलर बेसिकली अच्छा ही रहता है। साथ में जस्ट गिव मी योर ओपिनियन, एक्सिनोस 9611 जो है स्नैपड्रैगन के कौन से प्रोसेसर के बराबर है? तो आपका 660 710 के बीच का प्रोसेसर है, 710 से पावरफुल नहीं है या 710 की टक्कर का नहीं है, GPU अगर आप मिलाओगे पूरा ओवरऑल प्रोसेसर को देखते हुए तो 710 से कम है, 660 के बराबर या उससे थोड़ा सी ऊपर है, ज़्यादा कुछ इतना भी पावरफुल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर सस्वाद सतापटी बोलते हैं, अंडर 15 के विच इज़ द बेस्ट स्मार्टफोन ओवरऑल नॉट फॉर गेमिंग? तो आपको बता दूं 15,000 में अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन नहीं चाहिए या ओवरऑल आपको परफेक्ट स्मार्टफोन चाहिए, 1,000 बढ़ाओ रियलमी XT को परचेज कर लो, ज़बरदस्त डिवाइस है, 16,000 की रेंज में आपको उससे बेस्ट डिवाइस आज की डेट में इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा।
तो गाइस ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे। आई होप कि मैंने आप सारों का बराबर से रिप्लाई कर दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गए, कोई क्वेश्चन रह गया, या कोई क्वेश्चन अभी के अभी आपके माइंड में आया रहेगा तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हो। बिना बेझिझक होकर जो पूछना है आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं सारों का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि मतलब सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।